ये खबर शामिल करते हैं प्रेस क्लब शेखपुरा के हंगामे इजलास में। लाहौर प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद अरशद अंसारी की खसूसी शिरकत। शहबाज खान साबिक सदर प्रेस क्लब शेखपुरा से इजहार यकजहती। शेखपुरा पुलिस की जानिब से शहबाज खान पर दर्ज मुकदमा में जानम दराना तफ्तीश, यक तरफा सुनने बगैर गुनाहगार तहरीर करने और इनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। वजीर आला और आईजी पंजाब इस मुकदमा का नोटिस लें और पंजाब के किसी भी ईमानदार ऑफिसर से इस मुकदमा की मेरिट पर तफ्तीश कराई जाए और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। अगर शहबाज खान के खिलाफ मेरिट से हटकर कुछ हुआ तो ऐवान वजीर आला, आईजी पंजाब और आरपीओ और डीपीओ के दफातर का घेराव और एहतजाज होगा। लाहौर प्रेस क्लब हर लिहाज से अपने सहाफी भाई शहबाज खान के साथ है। अरशद अंसारी सदर लाहौर प्रेस क्लब का खिताब। रिपोर्ट नसीर चुगतियाई, 88 न्यूज शेखपुरा। दोस्तों ने हमेशा हमें इज्जत दी और ये मुझ पे कर्ज है कि खुदा ना खास्ता किसी सहाफी पर कोई बुरा वक्त आए तो मैं उसके लिए हाजिर और मैं इसलिए शहबाज खान साहब से मैं मिलने के लिए आया हूँ। मेरी उनसे बात भी हुई। राणा उस्मान साहब ने, मुबशर भट्ट साहब ने मुझे मुकम्मल इस पर ब्रीफ दे दिया। बिल्कुल हमारा एक ही मुतालबा है कि अगर हम गुनाह का जितना हमने जुर्म किया हमें सजा दें। मैंने कभी भी जिंदगी में, चाहे मेरा सगा भाई हो, मैरिट से हट के हमने कभी बात नहीं की। आप ही हम कहते हैं अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दें, अगर हम गलत नहीं तो किसी के प्रेशर में हमें सजा ना दे। अगर आप ऐसा करेंगे फिर हम भी इख्तियार हैं, हम किसी के मुख्तार नहीं है, फिर हम भी आपकी स्टेज पर। मुझे यकीन दिलाया है शहबाज खान साहब ने, राणा उस्मान साहब ने, मुबशर भट्ट साहब ने कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे जिस वक्त वाकया हुआ। प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, कोई कोई कारोबार करता है, राइट है उसका, हालांकि सहाफियों को मिलता क्या है। अगर बाइज़त तरीके से कोई अपना रिजल्ट कमाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं पहले तो गुजारिश करूंगा असलम रोहित साहब से कि आप इस शहर के मोहसस तरीन शख्स हैं, इसमें सुलह के लिए अपना किरदार अदा बिल्कुल करें, क्योंकि हम सहाफी किसी सूरत में भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हाँ, हम अपने राइट के लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन ये पिस्टल उठाना, गन उठाना ये हमें दे नहीं देता। तो हाँ साहब, आप कर सकते हैं इसको थ्रू करें। बड़े भाई मेरी बड़ी साहब बैठे हैं यहाँ पे, सारे सीनियर्स बैठे हैं। एक और गुजारिश क्वेश्चन वर्षा करना चाहूंगा आपसे, राणा उस्मान साहब से। एक बात तो फाइनल है कि हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, हर हाल में शहबाज खान साहब के मामले में, और हम सब उनके साथ करें, पाकिस्तान के साथ भी उनके साथ करें। मुझे हमें जिस स्टेज पर जाना पड़ा हम जाएंगे, हमें अपनी बेगुनाही के लिए जो सबूत देना पड़े हम देंगे, हमें जिस प्रेशर से गुजरना पड़ा हम उसका भी मुकाबला करेंगे। पादरी आपने ले ली है, आप ऐलान करें इंतजार का तो पूरे पाकिस्तान से लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप सुलह का ऐलान करें तो हम जनाब मैं जाके किसी जगह माफी मांगने के लिए, आप सुलह की बात करें भरोसा मैं जाके माफी मांगने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, पता ये मामला क्यों बिगड़े, आप इस स्टेज तक क्यों पहुंचे, ये रिवायत भी आप शेखपुरा वाले दोस्तों ने डाली। हमने एक दूसरे के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाना शुरू कर दिया। खुदा ना आज इस हाउस में ये भी फैसला कर ले हम आपस की लड़ाई कमरे में लड़ेंगे, हम थाने में किसी सहाफी वर्सेस सहाफी को लेकर।